अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं कहानी। अंत से ही आरंभ है पार्ट 20। प्रीवियस पार्ट जैसे कि मैं बोलती नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इधर साक्षी घूर के नेहा की ओर देखते और नेहा भी घूर के साक्षी की ओर देखती है। मानो कि नेहा की आंखें बहुत सवाल कर रही थी साक्षी, और साक्षी एकदम से सर झुका लेती है। वो समझ जाती है कि नेहा की कौन से क्वेश्चन उसकी दिमाग में घूम रहे थे। तभी एकदम से जो साक्षी की मॉम है वो साक्षी की ओर देख के बोलती कि एक बात बताओ, तुम दोनों कल रात नेहा के घर पर ही थी ना? बेटा मैं कब से इसको कुछ पूछ रही हूँ, ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ? और ये तुम दोनों को छोड़ के कैसे आ गई? जैसे ही ये बोलती है जो मुस्कान है वो देखती है साक्षी की ओर, तो देखती है साक्षी तो सर झुकाए खड़ी है, और वो नेहा की ओर देखते तो नेहा एक तीखी वाली स्माइल उसे पास कर देती कि भाभी जी अब आपको छोड़ूंगी नहीं। जब ऐसी चीज़ वो समझ जाती है तो वो भी एकदम से सर झुका लेती है। और तभी एकदम से साक्षी की पापा भी आते हैं और बोलते कि क्या बात है, आज इतनी लेट कैसे? तभी साक्षी की मॉम बोलती कि ये तो आई ही लेट है, पता है ना कल जब इसने फ़ोन की थी तो मैंने बोली थी कि बेटा इतनी बारिश में मत आओ, वहीं पे रुक जाओ, और अब सुबह सुबह ये नेहा आ गई, ये नेहा की पीछे आ गई, और नेहा से मैंने पूछी पर ये कोई जवाब देती नहीं। तभी एकदम से नेहा बोलती कि अरे आंटी क्या आप भी क्या बातों को लेके बैठ गई है, भूख लगी है, कुछ खाना वाना दो, ब्रेकफास्ट करने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पे। तभी एकदम से बोलती कि बेटा तुम तीनों ना खा के आई हो बिना खाए? तभी नेहा एकदम से बोलती कि हाँ वैसे आंटी मैं तो अपना बता सकती हूँ, ये दोनों अपना बताए, क्यों क्यों तुम दोनों बिना खाए आए हो क्या? तभी जो है एकदम से साक्षी बोलती कि वो तेरे साथ ही तो आया है यार, तो तू नहीं खाई तो इसका मतलब तो वही है ना कि हम भी नहीं खाए। तो नेहा जो है वो तीखी वाली स्माइल के साथ बोलती कि अच्छा ये बात है, हाँ देखा आंटी हाँ हम तीनों ने नहीं खाया, वो क्या है ना आपकी हाथ की चाय की बात ही अलग है, मुझे ना रहा नहीं गई तो मैं आ गई भागते हुए, मैं तो इन दोनों को भी परवाह नहीं की बाद में शायद ये दोनों भागते हुए आए हैं, है ना, सही सही सच सच बताओ बेटे। तभी एकदम से साक्षी उसे घूरते हुए देखती है, और इधर साक्षी की माँ बोलती है हाँ हाँ ठीक है, पता नहीं तुम तीनों के बीच क्या बातें हो रही है, इशारा इशारा में मुझे समझ नहीं आ रही है, खैर मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, साक्षी तुम बैठ जाओ। बोलती है हाँ हाँ ठीक 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 है। तो साक्षी क्या करती है, जैसे उसकी मॉम जाती है साक्षी एकदम से अपनी कमरे की ओर जाती है, और इधर नेहा नेहा बड़ी गौर से जो है एकदम से मुस्कान की ओर देखती है और उसकी शोल्डर पे एकदम अपनी शोल्डर से मारती है। वो देखिए हाँ जी भाभी जी बोलिए, रात कैसे कटी है आपकी, हाँ कहाँ थी आप दोनों, और बीच में मुझे लपेटने की क्या ज़रूरत थी ज़रा बताइए, आप दोनों को पता है मतलब मैं मतलब एक मिनट के लिए मुझे सांप सुन गई थी, मेरे पास कुछ थी नहीं कि भाई ये दोनों कहाँ रह गए, मुझे बदनाम करके आप दोनों गए कहाँ थे ज़रा बताइए। तभी एकदम से मुस्कान मिलती कि मैं मुझे नहीं पता, वो मतलब उनको पता होगी ना। तभी बोलती अय है ये आप और आपकी उनका, ये दोनों का क्या करूँ मैं, मन तो कर रही है ना। तो एकदम से मुस्कान बोलती कि क्या, वो बोलती कि अरे भाभी जी इतनी प्यार से मत बोलिए ना, है आपकी ये मासूमियत पे ना हम 100 बार मरे। तो बोलती कि बस भी करो तुम मुझे छेड़ो छेड़ना कब बंद करोगी? तो बोलती कि देखो वो चीज़ मेरे डिक्शनरी में नहीं है, जब से आप मिली है तो है क्या ही बोले मेरी ज़िंदगी संवर गई। बोलती कि बस भी करो तुम, और मुझे ये सब नहीं पता, तुम जाके तुम्हारी दोस्त से पूछो, मुझे फ्रेश होनी, ये बोल के वो एकदम से जाने ही लगती है। तो नेहा एकदम से उसकी पीछे भागती है, और जैसे ही मुस्कान जाके दरवाज़ा बंद करी वो एकदम से जाती है दरवाज़ा को हाथ मतलब रोक देती है बंद करने से, और एकदम से बोलती है आप भाभी जी इतना जल्दी काहे है, अरे थोड़ी सी बातलिंग कर लो हमारे साथ, अरे रात भर कहाँ थी यही बता दो, रात कैसे कटी यही बता दो। तो भी एकदम से मुस्कान बोलती कि
तुम नेहा प्लीज़ ना, तुम ये सारे सवाल जाके अपनी दोस्त से करो ना, मुझसे क्यों कर रहे हो? बोलते अरे दोस्त से तो कर लेंगे भाई, उसके साथ मेरी पर्सनली कुछ हिसाब है, वो मैं बाद में कर लूँगी, पर आपसे तो निपट जाऊँ पहले। अरे बताइए ना, अरे बताइए ना, कहा थी और मुझे काहे लपटी, साथ साथ मेरी मम्मी को भी लपट लिया आप लोगों ने। हाँ बोला कि मेरी मम्मी आप दोनों को बार बार रोक रहे हैं, इतनी बारिश में वो आने नहीं दे रही है। भाई मेरी मम्मी तो कल घरे मतलब गधे घोड़े बैठ के वो सो रही थी, वो कहाँ से ये सब करी, मुझे तो नहीं पता थी। आप लोगों को मतलब क्या ही बोलूँ। तभी बोलती कि अरे ये चीज़ें ना तुम जाके ना अपने दोस्त से पूछो, मुझे परेशान मत करो ना। तो बोलती कि ओफो आए, अरे आपको परेशान करने में मुझे मज़ा बहुत आती है, हाय क्या बोलूँ, ये सुकून मैं आपको समझा नहीं सकती भाभी जी। तो बोलती कि हो गई ना तुम्हारी, हाँ कर लिया ना परेशान तुमने, वैसे तुम्हारी दोस्त कम है जो तुम कर रही हो वैसे भी। तभी बोलती कि हाँ वैसे भी आगे क्या, अरे बोलो ना, अरे जोश जोश में सारी बात उगल डालो। तो बोलती हे भगवान कहाँ फंस गई मैं, नेहा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे फ्रेश होनी है, अब भूख लगी है प्लीज़। तो बोलती अच्छा फ्रेश होनी है, क्यों ऐसा क्या कर दिया जो फ्रेश होना इतनी ज़रूरत हो गई। उसकी ये तरी तरीके की सवाल जो है मुस्कान को बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन मुस्कान कर भी क्या सकती है, अब मौका दिया है तो नेहा पकड़ेगी ज़रूर। तो नेहा उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो जैसे तैसे मुस्कान क्या करती है उसको थोड़ी सी हल्की सी पुश करती, जैसे पुश करती तो नेहा एकदम से जो अंदर से थोड़ी सी बाहर की ओर आ जाती है, बोलती कि आओ ये क्या है भाभी जी, ये तो गलत बात है। तो बोलती कि देखो गलत है तो गलत ही सही, तुमसे मतलब तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, ठीक है अभी के लिए फ़िलहाल बाय। ये बोल के वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। तो नौ बोलती हाय रे जालिम, ये तेरी दुनिया में हम आबाद हो गए या बर्बाद हो गए ये तो बता दो। तभी वो बोलती कि मुझे पता नहीं, जाके अपने दोस्त से पूछ लो। तो नेहा हंसती है और वो जाती है एकदम से साक्षी की कमरे की ओर। जैसे ही साक्षी की कमरे की ओर जाती है, साक्षी अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी, ऑलरेडी कर चुकी थी, वो अपनी बेल्ट वगैरह सब ठीक प्रॉपर पहन रही थी कि वो एकदम से जाते हुए बोलती कि हो गई तैयार। वो बोलती कि हाँ हो गई, क्यों क्या हुआ? तो बोलती तू एक बात बता, तू कल ठीक कहा हाँ, मुझे क्यों लपेटी इस झूठ में, और साथ साथ मेरी मम्मी को यार, और तुम दोनों थे नहीं, कम से कम मुझे एक इन्फॉर्म कर देते, मैं सर मतलब सुबह सुबह अपनी मुंह उठा के यहाँ पे चली आई बिना कुछ जाने, आंटी मुझ पे सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल सवाल पे सवालों की बारिश कर रही थी यार, और मैं लाचार होके बस चुप रही क्योंकि मेरे पास तो कोई जवाब थी ही नहीं। वो पूछ रहे थे कि यार तुम दोनों मतलब तुम तीनों की नारात कैसे करती, इंजॉयमेंट की है ना, मस्ती मजाक हुई थी, तुम्हारी मम्मी को अच्छी लगी, वैसे भी तो साक्षी ज़्यादातर लोगों के घर में रहते नहीं है, पता नहीं आज कैसे रुक गए, कैसे कैसे सवाल, बेचारी एक लौती मैं, मुझ पे तरस नहीं आई तुझे? तभी बोलती हो नौटंकी, तुझे सुबह सुबह मैं ही मिली थी हाँ। तभी बोलती कि तुझे सुबह सुबह क्या मैं मिली थी हाँ, तू अगर जाती, तू अगर कहीं पे रुक गई है तो ये बात मुझे बतानी नहीं होती, ये बता देती कि नेहा मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ, मैं आ नहीं पा रही हूँ, तो मैंने मम्मी को ये बोली है, सुबह अगर तेरे पास मम्मी की कॉल आए या फिर तू घर जाए मम्मी कुछ पूछे तो हैंडल कर लेना, इतनी भी अकल नहीं होती क्या तेरी, बेइज्जती करा दी मेरे आंटी के सामने। होती यार कैसी बेइज्जती करा दी मैंने यार, तू ना क्या बोल रही थी? बोलती और नहीं तो क्या क्या बोल रही हूँ, और एक बात बता तू कल रात ठीक कहा? तभी बोलती कि वो मतलब मैंने तो तुझसे स्कूटी ली थी ना। तो बोलती हाँ, क्योंकि तुझे लॉन्ग ड्राइव में जो जानी थी अपने महबूबा को लेके। तो बोलती अरे यार हाँ, तो मतलब हम लोग टहल रहे थे और अचानक से वो बारिश होने लगे। तो बोलती हाँ, वो मुझे भी पता है कि कल बारिश आई थी, आगे बोल।
हाँ यार, तो मतलब हम थोड़ी सी दूर चले गए थे, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मैंने स्कूटी थोड़ी साइड करी पार्क, और हम एक जो टाइप कुछ घर मिले थे, हम उस घर के अंदर चले गए। तभी नेहा उसे एकदम से आंखें बड़ी करके देखते हैं, बोलती कि अच्छा आगे क्या हुआ? तो बोलती कि आगे, मैं बोलती कि हाँ आगे बोल, घर के अंदर चले गए थे, घर पे कोई और थे? तो बोलती नहीं, तो घर पे कोई और नहीं थे। तो बोलती ओहो आगे बोल आगे। तभी बोलती क्या है? तो बोलती अरे मुझे ना अंदर से वो क्यूरियसिटी वाली फीलिंग आ रही है, जो उछल रहा है जानने के लिए, बोल आगे। तभी बोलती तो तू क्या है यार, आगे कुछ नहीं? तो बोलती कि झूठ ना बोलियो, वरना ना मैं अभी जा रही हूँ आंटी के पास, रुक आंटी। तभी वो एकदम से उसके हाथ पकड़ते, बोलती कि क्या क्या मरवाई की, क्या कहाँ जा रही है तू? तो बोलती हाँ तो और क्या, सीधा सीधा बोल डाल, वरना ना दिमाग मेरी सटकेगी ना, तोरी तेरी फटेगी, तू बोल। तो बोलती हद है यार, तू दोस्त है कि तू दुश्मन? तो बोलती कि देख, इतिहास के पन्नों में लिखी गई है कि हर एक दोस्त ना कमीनी होती है, क्योंकि मैं लड़का तो हूँ नहीं, तो मैं कमीनी हुई, और अगर लड़का होता तो कमी ना होता, सिंपल। काहे थक रही है तू, तू बोल। देवती यार, तू तू इतनी मतलब, देवती हाँ मैं घटिया हूँ, वो पहले से ही, मैं पैदा ही ऐसी हुई हूँ, अब तू आगे बोलेगी? देवती कि यार गजब है तू, बोलती है ना वो वन पीस हूँ, चल बोल। तभी वो बोलती कि अरे यार, तो हम वहाँ एकदम से चले गए थे, जैसे जैसे अंदर गए वहाँ पे कुछ थे, मैंने वो जलाई, तो वो बोली कि क्या, तो वो लगा के रखी, आगे बोल आगे क्या हुआ, आगे का कुछ चीज सीन है या? तो बोली मतलब यार, वो एकदम से मतलब दरवाजे पे नॉक हुई, तो एक अंकल है, तो उन्होंने बोला कि ये घर उनका है, तो वो पूरी की पूरी सिचुएशन बताती है कुछ कट पीस करके। तो नेहा अपने दोनों हाथ को फोल्ड करती है और बोलती है एक मिनट, मुझे क्यों ऐसी लग रही है कि यहाँ पे थोड़ी सी एडिट वगैरह किए गए हैं? तभी एकदम से जो साक्षी वो खांसने लगते हैं, बोलती मतलब, तो बोलती कि हाँ हाँ तेरी ये फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रही है, चल बोल क्या क्या हुआ, हाँ रात कैसे कटी? हाय भाभी जी की फेस तो देखा नहीं जा रही, ये ग्लो किस बात की, ज़रा ये बता। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि ग्लो किधर, मेरे फेस में कोई ग्लो नहीं है। तो बोलती अरे तू नहीं समझेगी, मैं दिख मुझे दिखाई दे रही है ना, तेरे फेस में भी है, चल बोल ये ग्लो किस बात की, हाँ कहीं मोहब्बत का रंग तो नहीं चढ़ा, हाँ क्या हदें पार कर दिए क्या? तभी एकदम से साक्षी, क्योंकि वो इतनी करीब थी साक्षी के, वो एकदम से धक्का देता, बोलती कि चल हट, क्या बातें करती रहती है, तुझे शर्म नहीं आती? बोलती कि नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, सच्ची में बिल्कुल नहीं आती। अरे जो करे शर्म उसकी भरे, अरे इसको मैं तेरे चक्कर में लाइन भूल गई यार। बोलती कि तू 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 चुप कर ना यार, तू तुझे सुबह मैं ही मिली थी। तो बोलती हाँ जैसे कि तुझे मैं ही मिली थी दुनिया में, हाँ लपेटने ले के लिए झूठ में, वैसे ही तू भी मुझे मिली है ना, तुझे लपेटने के लिए। बेटा ये रास्ता तो तूने दिखाई है। बोलती कि यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मतलब तू जो सोच रही थी, बोलती मैं वही तो बोल रही हूँ ना, ये चल इतना भी मत शर्मा ना, बोल। तय बोलती अरे यार तू थोड़ी सी शर्म कर लेना। तय बोलती हाँ फिर से वही लान, अब फिर से मैं वही बोलूँ क्या जो लाइन मैं भूल चुकी हूँ, कि जो करे शर्म उसके फूटे करम, है ना तुझे ये थीम पता है ना साक्षी कपूर? तभी एकदम से साक्षी बोलती है यार तू मत छेड़ना, क्या चाहिए तुझे, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगी, बोलना क्या चाहिए। तभी बोलती है हाय हाय, ये तो लेने देने पे बात आ गई, हाय अब तो मज़ा बहुत आएगी, मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ सच बोल दे तू, हाँ बोल क्या क्या हुआ, हाँ ये तेरी आँखों की नज़ाकत तो कुछ और ही बता रही है, भाभी जी की आँखों की नज़ाकत कुछ और बोल रहे, तुम दोनों ग्लोई ग्लोई कर रही हो, वजह क्या है, मुझे वजह जाननी है, अरे बोलना जल्दी, मुझे रहा नहीं जा रही है यार। तभी एकदम से साक्षी की माम की आवाज़ आती है कि साक्षी नेहा आ जाओ, मुस्कान तुम भी आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है।
तभी एकदम से साक्षी नेहा को थोड़ी सी धक्का देती है, बोलती कि अब वो मम्मी बुला रही है, मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाती हूँ, ये बोल के वो जा एकदम से भागती हुई आती है हॉल में। और नेहा बोलती कि बच्चू वैसे आधी चीज़ तो समझ आ गई, बस तेरे मुँह से निकलवानी है मुझे कि तूने क्या किया, बस वेट एंड वॉच, अब तो तुझसे ही जानूंगी मैं। ये बोलते हुए नेहा भी आती है उधर, मुस्कान भी फ्रेश वगैरह होकर वो आती है ब्रेकफास्ट के लिए। ये तीनों आके टेबल पे बैठ जाती है। इधर नेहा की तीखी नज़र कभी वो मुस्कान की ओर डालती है तो कभी और वो नेहा मतलब साक्षी की ओर डालती है। जो मुस्कान है वो चुपचाप बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, क्योंकि वो पता है अगर नज़र मिलाई वो नेहा से थोड़ी सी भी तो ये बांदी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो जो मुस्कान है वो सिर्फ चुपचाप बैठ के वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो साक्षी की ओर भी नहीं देख रही थी। और साक्षी ब्रेकफास्ट करते करते उसे वो सारी लम्हा एकदम से हल्की हल्की सी याद आ रही थी, तो वो हंसते मतलब हंसते हुए खा रही थी। इधर नेहा बोलती है हाँ, रात के पल याद आ गए क्या, जो चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कान है, चल बता ना हम भी थोड़ा हंस ले। तो एकदम से साक्षी बोलती है बहन तू चुप कर ना, तुझे क्या चाहिए, मैं बोल रही हूँ, तू जो भी मांगेगी इसके मतलब निपटने के लिए मैं वो ही दूंगी, चल बोल ले क्या दे मतलब क्या चाहिए तुझे, मैं वो दे दूंगी ना, बस ये सवाल की सिलसिला ख़त्म कर तू यहीं पे प्लीज़ मत सता। तो बोलती है अच्छा जो मांगूंगी वो देगी। तो बोलती है अरे बोलना क्या चाहिए तुझे, बोलती है चल भाभी को दे दे। जैसी ये बोलती है तो साक्षी घूरते देखते हो, बोलती कि चमेट खाएगी क्या, बकवास बात है, उसको छोड़ के उसको नहीं दे सकती। तो बोलती कि हाय क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है, दे दे मुझे। तो बोलती कि नहीं नहीं दे सकती उसको छोड़ के। तो बोलती ओहो हाय हाय इतनी मोहब्बत, उफ कोई तो रोक लो। तो बोलती कि चुप करना तो ही, ये थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हैं। और उधर तब तक उसकी कोई सानी आ चुका था, वो चला गया था, और साक्षी उसको वापस कॉल कर ली थी आते ही। तो एकदम से आता है और आके वो सैल्यूट वगैरह करता है, तो सैल्यूट वगैरह करते ही वो एकदम से बोलती कि आदि वैसे मैं एक बार आ चुका हूँ। तभी बोलती कि आई नो सॉरी मुझे मैं थोड़ी बाहर थी। तो बोलती कि ओके। तभी जो थे सनी वो एकदम से मुस्कान की ओर देखती है, मुस्कान क्योंकि उसके फेस पे एक अलग सी शर्मोहया थी, तो वो सर झुकाए बैठी हुई थी, उसमें भी वो अलग सी खूबसूरत लग रही थी। तो जो सनी था वो घूरते हुए मुस्कान की ओर देख रहा था। इधर साक्षी एकदम से बोलती कि वैसे सनी केस के भी विषय में कुछ बात हुई, मतलब तुम कुछ चीज़ निकल पाए हो। लेकिन सनी की नज़र जो है सिर्फ मुस्कान की ओर थी। तभी नेहा बोलती कि अरे पूछ किससे रही है तू, ज़रा उसकी ओर देख तो ले, ये तो मतलब हवा में टहल रहा है। तभी एकदम से साक्षी नेहा की ओर देख के बोलती कि मतलब, बोलती है देख देख हाय मेरी भाभी पे कितने सारे लोगों की नज़र है, हाय हाय। तभी एकदम से साक्षी जो देखती है एकदम से सनी की ओर, तो देखते ही कि हाँ ये मुस्कान को घूरते हुए देख रहा था। तो एकदम से साक्षी जोर से चिल्लाती है कि सनी। तभी सनी एकदम से डर जाता है, बोलती है हाँ जी दी। तो बोलती है तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तभी बोलती है नहीं वो मैं कुछ सोच रहा था, आपने कुछ बोला है। तो बोलती बहुत कुछ बोला है, अब चलो यहाँ से। तो ये बोल के जो नेहा साक्षी ये दोनों निकल रहे थे, तो साक्षी पीछे पलटती है और एक बार मुस्कान की ओर देखती है। तब भी मुस्कान अपनी नज़रों को झुकाए रखी थी, तो साक्षी मन ही मन बोलती कि एक बार नज़र उठा के तो देख लो, मुझे जाने का परमिशन तो दो, वरना अगर ना बोलोगी तो नहीं जा पाओगी, चलो। और उधर नेहा एकदम से बोलती कि चल ना, खड़ी क्यों है। बोलती कि अरे चल रहे है वो, मैं कुछ देख रही हूँ। तो बोलती कि क्या देख रही है। तभी साक्षी बोलती कि मनी मन बोलती कि प्लीज़ नज़र उठा के देख लो, मुझे आँखों से ही बाय कर दो, प्लीज़ लुक एट मी। तभी ना थोड़ी देर बाद ही एकदम से मुस्कान अपनी नज़रों को उठा के देखती है, तो उसकी नज़र सीधा साक्षी से टकराती है, नज़र से नज़र मिलना। तो साक्षी आंखों से बोलती कि क्या मैं जाऊं। मुस्कान बस हल्की सी स्माइल पास कर देती है, उसी स्माइल में बहुत रेयर थी और इतनी खूबसूरत वो स्माइल थी कि बंदा कोई खुद को प्यार करने से मुस्कान से रोक नहीं पाता है। ये स्माइल सिर्फ साक्षी नहीं देखती, ये स्माइल सनी भी देखता है। जैसे देखता है तो वो मोमेंट ना इतना अच्छा होता है कि
वो एकदम से अपने दिल पे हाथ रख लेता और बोलती कि उफ। और इधर नेहा, उसका नज़र सीधा सनी पे जाता, तो सनी को देख कर बोलते कि वैसे सनी, तभी सनी बोलती कि हाँ जी। तो नेहा बोलती कि बेटा तुमने ना गज़र मतलब गलत जगह पे नज़र डाला है बेटा, इस बीच ना सिर्फ तुम्हें ना। तो बोलती कि हाँ सिर्फ मुझे। तो बोलती नहीं छोड़ो, तुम सहन नहीं कर पाओगे, वक्त के साथ साथ तुम भी समझ जाओगे, बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारी नज़र ना, या फिर ये बोले कि तुम्हारी दिशा गलत है, चलो हम चलते हैं। ये बोलती है तो साक्षी एकदम से चिल्ला के अपनी मॉम को बोलती है कि माँ मैं चल रही हूँ, मैं आती हूँ, ये बोल के वो चली जाती है। और इधर वो जाती है, पहले नेहा तो बहुत बार उससे पूछने की कोशिश कर रही थी गाड़ी में, वो कुछ बोलती नहीं है, वो बार बार बोलती कि तू चुप कर जा यार, परेशान मत कर, ऐसी होती है वो। नेहा को पहले अब उसकी हॉस्पिटल छोड़ती है, उसके हॉस्पिटल छोड़ने के बाद वो एकदम से बोलती कि वो जो लाश है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह मुझे सेंड कर दियो। तो बोलती कि ऑलरेडी सेंड कर दी थी मैं, अगर फ़ोन दिखी तो पता चलेगी ना तुझे, तू तो गायब हो गई थी अपनी मतलब उसको लेके। तो बोलती कि हाँ चुप करना। तो बोलती कि हाँ ये भी बाकियों की तरह ही एकदम नॉर्मल, कोई भी कुछ चीज़ थी नहीं जो एबनॉर्मल लगे, नॉर्मल सुसाइड केस जैसे होता है, इसके भी सारी चीज़ वैसी ही थी, बॉडी पे कोई निशान या खरोच या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसे पता लगे कि थोड़ी सी भी डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं थी, सब तो सब कुछ एकदम नॉर्मल थी। तभी साक्षी बोलती कि यार समझ ही नहीं आ रही ये हो क्या रही है। तो बोलती कि तू ना अपने दिल को थोड़ी सी थाम ले और अपने दिमाग को थोड़ा सा काम में लगा, ठीक है, तब समझ आ जाएगी। तो बोलती कि क्या मतलब है। तो बोलती है मतलब तो तू समझ गई, चल जा अब अपनी पुलिस स्टेशन, ये बोलती है। तो जो नेहा है वो अपने हॉस्पिटल जाती है, और इधर जो साक्षी है पुलिस स्टेशन आती है, पुलिस स्टेशन आते ही वो सब कुछ चेक करने लगती है कि कुछ तो कड़ी मिले। और एकदम से वो सनी को बोलती है कि सनी उसके घर में फिर से जाओ, वो डॉक्टर यादव के घर पे जाओ और फिर से एक बार चेक करो, कुछ तो कड़ी होगी ना, कुछ तो छोड़ी होगी इसने, एक एक चीज़ बड़े अच्छे से ढूंढो और अगर कुछ भी मिले वो लेके आओ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छोड़े होंगे ना, वो कहाँ पे जॉब करते थे ये बस पता लग जाए। और ऐसे कैसे हो सकते, एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम करते, कौन से हॉस्पिटल में काम करते थे, ये पूरी की पूरी मिट चुकी है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकते, कुछ तो रह गए हैं, हमसे छूट गए हैं, तो जाओ फिर से तलाशी करो। तो वे बोलती कि ओके ओके दी, ये बोलती है वो जाते चला जाता है सनी। दूसरी ओर सांझ की कॉल आती है, जैसे ही सांझ की कॉल आती है तो साक्षी कॉल रिसीव करती है, तो एकदम से बोलती कि मैम आप पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बोलती कि हाँ सांझ बोलो। तो बोलती कि मैम आपको इस लोकेशन पे आनी होगी। तभी साक्षी बोलती कि क्यों अचानक क्या हो गया। तो बोलती कि प्लीज़ मैम आप इस लोकेशन पे आ जाइए, जब आप आएंगे तभी आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बता सकती हूँ मैं। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि ओके मैं आ रही हूँ 10 मिनट। तो वो एकदम से निकलती है और वो निकलती हुई उसी लोकेशन पे जाती है जहाँ पे सांझ उसको बुलाई थी। तो सांझ के वहाँ पे जाती ही तो ये लोग एक साइड पे बैठते हैं जहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप पे थे। तो एकदम से साक्षी बोलती है हाँ सांझ बोलो। तभी सांझ क्या करती है, एक पूरी की पूरी फाइल उसके आगे रखती है। तो वो फाइल एकदम से हाथ में लेती है और बोलती कि क्या है। तो बोलती कि ये पिछले 1 साल की उसी हॉस्पिटल की रिकॉर्ड है, और ख़ास करके प्रेगनेंसी की। तभी बोलती कि मतलब मैं समझी नहीं। तो बोलती कि मैम आप प्लीज़ फाइल ओपन कीजिए और देखिए। तो एक एक करके वो फाइल ओपन करते, और जैसे जैसे वो फाइल ओपन कर रहे थे वो थोड़ी सी ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना या नहीं समझ रही थी, ये सारी चीज़ देख रहे थे। तो वो एकदम से बोलती कि सांझ मैं समझ नहीं पा रही हूँ इससे क्या मतलब होती है। तो बोलती कि मैम अब ना आपने ये पढ़ लिया ना प्रॉपर। तो बोलती है हाँ पढ़ ली। तो एकदम से वो फिर से एक और डॉक्यूमेंट देती है और बोलती है अब ये देखिए। तो उसमें करीब जो पहले वाले फाइल थे उसमें करीब बहुत सारे, करीब लगभग 500 से ऊपर भी वहाँ पे थे पेशेंट्स के रिकॉर्ड। और जो बाद में उसके पास वो रिपोर्ट दी गई है उसमें करीब 200 लोगों की एक कॉन्वेंट रिपोर्ट थी जहाँ के सबकी मिसकैरेज हुई, और मिसकैरेज भी कब हुई
करीब लगभग 8 महीने में या फिर कुछ ही दिन बाद डिलीवरी होंगे। ऐसे वैसे वक्त कुछ ना कुछ हादसा होती है और वो बच्चा पेट में ही मर जाता है। ऐसी रिपोर्ट देते, जो रिपोर्ट देखते ही साक्षी बोलती कि हाउ इज दिस पॉसिबल। तभी वो बोलती कि वही तो है, हर रोज लगभग 10 डिलीवरी में से 2 बच्चों का मरना तय था। यही तो थोड़ी सी डिफरेंट हुई। और ये चीज़ पता करने में आपको मैं बता नहीं सकती, मैं मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरे एक दोस्त है, हालांकि उसने भी मदद की है, पर वाकई में दिस वॉज डिफरेंट। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। और एक ही कोइंसिडेंस, अगर ये कोइंसिडेंस माने, हर दिन तो सेम कोइंसिडेंस नहीं होगी ना। कुछ तो अलग चीज़ है जो हमारी नज़र से बच रहे हैं, या फिर ये कहे कि छुपाए जा रहे हैं। तभी एकदम से साक्षी बोलती, ये तो मुझे भी पता है कि हमें कुछ चीज़ों में गुमराह कर रहे हैं, और वो इंसान कौन है हमें बस वो पता करनी है। मैंने सनी को भेजा है उस डॉक्टर के घर पे कि कुछ तो कड़ी मिल जाए, और मुझे पक्का पता है कि ये इसी हॉस्पिटल में जॉब करता है। और अगर ये इसी हॉस्पिटल में जॉब करता है तो इसके पूरे रिकॉर्ड कैसे मिट गए हैं। तभी ये बोलती कि मैम, आप चाहो तो मतलब वो आपके मतलब होने वाले मतलब हस्बैंड जो है रजत सर, उनसे बात करो ना। तभी जो है एकदम से वो सोचती है कि हाँ, पर मेरे पास कोई कड़ी तो हो जिस विषय में उससे बात करूँ। तो बोलती कि हाँ, ये भी सही है, तो थोड़ी बहुत और बात करते। वहाँ साक्षी एकदम से सनी को कॉल करता है, तो सनी एकदम से बोलती है, मैडम मैं अभी भी घर पे हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहे। तो एकदम से बोलती कि ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ। ये बोलते हुए जो सांझ को लेके ही साक्षी वहाँ पे जाती है, उसी जगह पे जहाँ पे वो डॉक्टर सुसाइड किए थे। तो ये दोनों मिलके अब फिर से जो है ढूंढने लगते हैं। तो ढूंढते ढूंढते हर एक कोना छप्पा छप्पा ये लोग ढूंढ रहे थे। और ढूंढते ढूंढते एकदम से उसके बेड के एकदम से पिलो के साइड पे, जो नीचे होते हैं ना बेड के एकदम से नीचे, वो एकदम से हटाती है। जैसे ही हटाती है तो बेड थोड़ी सी अलग सी लग रही थी। तो एकदम से साक्षी बोलती कि ये क्या है। तभी वहाँ पे एकदम से सनी आता है, बोलती कि क्या मैडम। वो बोलती कि एक काम करो, एक कुछ चाकू या फिर कुछ लेके आओ जिससे हम ये काट सकते हैं। तभी बोलती कि मेरे पास है। तो एकदम से वो चीज़ देती है जो कटर टाइप थी, तो वो देती है। और वो एकदम से उस बेड को एकदम से थोड़ी सी कट मारती है, तो पूरा वो होता है ना रज़ाई जो है वो थोड़ी सी फट जाती है। तो एकदम से देखती है कि उसमें कुछ पैसे वगैरह थे। बोलती कि ये क्या है। तभी वो जो है एकदम से वो रज़ाई को बाहर की ओर एकदम से फेंकती है, फेंकते हुए पूरी रज़ाई को वो कट करती है। और उस रज़ाई की पूरी नीचे के हिस्से में वो पैसे की बंडल थी। ये देख के जो सनी है वो शॉक हो जाता है। और वो सारी चीज़ करते करते कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकल के आते हैं। और बोलते कि वाह, दिमाग भी क्या चीज़ है, रखी तो रखी, कहाँ पे रखी, इस चीज़ पे भला किसकी नज़र जाती। तो सारी चीज़ ये लोग करते हैं, सब चीज़ इकट्ठा लेते हैं। और इकट्ठा लेते हुए ये लोग थाने की ओर जाती है। वहाँ पे जाके जो साक्षी है वो हर एक डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। और चेक करने के बाद एक डॉक्यूमेंट्स इसको उसी हॉस्पिटल की एक रिसीप मिलती है जो रजत की हॉस्पिटल है। और रिसीप मिलते ही जैसे कि मानो उसे एक किरण की नज़र आ गई कि अगर ये उस हॉस्पिटल से ताल्लुक़ नहीं रखता तो ये रिसीप उसके पास कैसे आ गया। यही सोचते हुए वो एकदम से उठती है और वो तय करती है कि वो रजत के हॉस्पिटल जाएगी। और वैसा ही वो करती है, वो सनी को लेके रजत के हॉस्पिटल जाती है। और दूसरी ओर जो मुस्कान है वो साक्षी की मॉम की थोड़ी बहुत मदद करती है। और करीब दोपहर हो जाती है तो वहाँ पे सिया जाती है। सिया जाती ही वो एकदम से मुस्कान की ओर देखती है, तो सिया को आज मुस्कान थोड़ी सी अलग दिख रही थी। वो बोलती कि क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक है। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि हाँ, क्यों, क्या हो गई। तो वो बोलती कि नहीं, तू आज कुछ ज़्यादा खुश है, क्या हो गई है। बोलती कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी एकदम से साक्षी की मॉम, क्योंकि वो भी हॉल के साइड में ही थी तो वो भी बात सुन रहे थे, तो बोलती कि हाँ हाँ, मैं तो यही बोल रही हूँ, सुबह से पता नहीं इसकी मतलब बात करने की, और ये खुश इतनी है कि पता नहीं क्या हो गई है। बोलो बेटा, मैं भी यही पूछने वाली थी, क्या हो गई है, ऐसा क्या बदल गई कि तुम इतनी खुश हो, ये अंदाज तुम्हारी अच्छी है। और इधर जो मुस्कान है वो बोलती कि कुछ नहीं,
तभी सिया बोलती कि झूठ तो ना बोल, बचपन से तुझे जानती हूँ, ये चेहरे पे हंसी का कारण क्या है? तो जो मुस्कान चुप हो जाते हैं, अब वो क्या ही बोलेगी? आज स्टोरी यहीं पे रखते हैं, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।